संसद का मानसून सत्र मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है जो देश में बन रही फिल्म उनके प्रदर्शन के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 के साथ सरकार ने पायरेसी कल्चर को रोकने के लिए अहम कदम उठाया है और अब ऐसे मामले में 3 साल तक की सजा का प्रावधान बना दिया गया है। इस बिल को अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है तो ये नियम कानून में तब्दील हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पेश इस बिल में क्या खास है और कैसे ये बड़े बदलाव कर सकता है, आइए समझते हैं। क्या है सिनेमेटोग्राफ बिल? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में 20 जुलाई 2023 को इस बिल को पेश किया। इसका मकसद सिनेमेटोग्राफ विधेयक 1952 में बदलाव करना है। बिल के जरिए देश में फिल्मों की पायरेसी और फिल्मों को मिलने वाले सर्टिफिकेट में बदलाव किया गया है। साथ ही कोई फिल्म अगर पायरेटेड कॉपी बनाई जाती है तो प्रोडक्शन हाउस पर जुर्माना और 3 साल तक की जेल का प्रावधान भी तय किया गया है। अभी इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है। इस बिल में क्या क्या नया है? सिनेमेटोग्राफ बिल का पुराना वर्जन को कई दशक बीत चुके हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट, अदालतों और सरकार द्वारा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई फैसले बदलाव किए गए हैं। ऐसे में कानून में बदलाव की जरूरत थी। मौजूदा जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने इस बिल को पेश किया। नए बिल में सेंसर बोर्ड को अधिक ताकतें दी गई हैं। अब बोर्ड किसी फिल्म को प्रदर्शित करने से पूरी तरह रोक सकता है। किसी भी फिल्म को मिलने वाला सर्टिफिकेट अब 10 साल की बजाय हमेशा के लिए मान्य होगा। नए बिल में फिल्मों को मिलने वाले सर्टिफिकेट को भी अलग अलग स्तर पर बांटा गया है। बिना कोई प्रतिबंध वाली फिल्म यू सर्टिफिकेट, कोई प्रतिबंध नहीं लेकिन 12 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन जरूरी वाली फिल्म यूए सर्टिफिकेट, केवल वयस्कों के लिए ए सर्टिफिकेट, किसी खास समूह के लिए एस सर्टिफिकेट। यूए में भी 3 सब कैटेगरी है, UA 7+, UA 13+, UA 16+। टीवी के लिए अलग से मिलेंगे सर्टिफिकेट। किसी भी फिल्म या शो को अगर टीवी पर प्रदर्शित करना होगा तो उसके लिए केवल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 के तहत ही प्रदर्शित किया जाता है। अब नए बिल में कुछ बदलाव हुए हैं। अगर किसी फिल्म को ए या एस सर्टिफिकेट दिया गया है तो उसे टीवी पर फिल्म दिखाने के लिए अलग से सर्टिफिकेट लेना होगा। CBFC टीवी के लिए फिल्म में कुछ बदलाव भी करवा सकता है। पायरेसी या फिल्म चोरी पर क्या होगा? फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी शिकायत फिल्मों की पायरेसी को लेकर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल को लेकर जब राज्यसभा में अपनी बात कही तब उन्होंने जानकारी दी कि फिल्म इंडस्ट्री को पायरेसी की वजह से हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सिनेमा थिएटर में किसी भी फिल्म को रिकॉर्ड करने या रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति की मदद करने पर अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा। फिल्म को बिना लाइसेंस के प्रदर्शित करना या उससे फायदे लेने वाले व्यक्ति पर भी एक्शन लिया जाएगा। पायरेसी या पायरेसी कॉपी बनाने के मामले में 3 महीने से 3 साल तक की सजा, 3 लाख से प्रोडक्शन कॉस्ट के 5% तक के जुर्माने की बात कही गई है।